वेलकम टू माय न्यू व्लॉग माय डियर फैमिली। एंड आज मैं बात करने वाला नॉर्वे कंट्री के ऊपर, जो कि बहुत जबरदस्त कंट्री है, यूरोपियन कंट्री में काउंट होती है। उसके बहुत सारे फैक्ट मैं आज आपको बताने वाला हूँ। थोड़ी सी हेल्प लूंगा मैं, छोटे छोटे पॉइंट देखूंगा बस वीडियो में, बाकी ज़्यादा कोई मेन मोटिव नहीं है उस वीडियो में ज़्यादा देखने का। नॉर्वे कंट्री है, उसकी कैपिटल जो है ओस्लो है, फैक्ट नंबर वन, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। दोस्तों, नॉर्वे के बारे में आपको बहुत दिलचस्प जानकारी मिलेगी आज, देखना कि इस्तेमाल करते रहेंगे और आप अपने आप को बेहतर बनाते रहेंगे। रॉकी हैंडसम की तरह नहीं भाई, मैं बहुत से लोग बोलते हैं मुझे रॉकी हैंडसम की तरह, भाई रॉकी रॉकी है भाई, वो ज़बरदस्त है। तो फैक्ट नंबर वन दोस्तों, जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा था तो उस टाइम पे बाहर का जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की साउंड है बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो इसलिए मैंने अलग से वॉइस डाली है ताकि आप इस चीज़ को इजीली समझ पाएँ और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं आपसे ये विनती करता हूँ, प्लीज़। उसका मेन रीज़न ये है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑयल और गैस सबसे ज़्यादा पैदा होती है, इसलिए उसको वो उसका इकोनॉमी को बेटर बनाने में बहुत हेल्प करती है। पॉइंट नंबर टू, फैक्ट नंबर टू यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पर जैसे मैं बोल रहा हूँ। फैक्ट नंबर टू दोस्तों, नॉर्वे की जो जेल की फैसिलिटी है ना, बड़ी ज़बरदस्त तरीके की है। आप मान बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ पर जो जेल की फैसिलिटी है बड़ी ज़बरदस्त है। वहाँ पर मतलब इतना आप ज़बरदस्त स्टूडियो में देख रही है, इमेज देख लीजिए, इतनी इतनी लग्जरी लाइफ देते हैं वो, और वहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी मिलती है। और पॉइंट नंबर थ्री दोस्तों, नॉर्वे की कंट्री में आपको कॉफ़ी का प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है, वहाँ पर लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से कॉफ़ी पीते हैं। और नॉर्वे कंट्री वो ऑलरेडी वो ठंडा इलाका है, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा कॉफ़ी का सेवन भी ज़्यादा किया जाता है। और दोस्तों, पॉइंट नंबर फोर, वहाँ पर इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक प्लांट से ज़्यादा 98 से लेकर 99% तक वहाँ पर इलेक्ट्रिक यूज़ मतलब इलेक्ट्रिक जनरेट की जाती है, जो कि अपना अपनी बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों, एक सोचने वाली बात है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये, कि 1814 में करीब जब वर्ल्ड वॉर टू के आसपास की बात है, जब डेनमार्क था उस टाइम पे स्वीडन और ये नॉर्वे कंट्री एक ही थी, पर लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के बाद 1905 में ये नॉर्वे कंट्री को एस्टेब्लिश किया गया है, मतलब ये कंट्री उसके साथ बटी हुई थी। और आपने यदि मेरा फिनलैंड का एक ब्लॉग देखा होगा, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फिनलैंड और स्वीडन के साथ एक कंट्री जुड़ी हुई है, यहाँ पर एक गोल्फ कोर्स मतलब गोल्फ के लगभग उसके लिए ज़्यादा है, वो हाफ ऑफ पोर्शन उसमें दिया हुआ है। आप मेरी प्लीज वीडियो देखना, वो पता चल जाएगा, ये भी उसी के सेम उसी के तरह है। और दोस्तों, यहाँ पर ना फैक्ट नंबर फाइव ये है कि यहाँ 12 साल का, जैसे हमारे यहाँ पे इंडियन इंडस्ट्री में क्या होता है कि यहाँ पर 12 साल या छोटा साल का 10 साल का होगा, तो उसको एडवर्टाइजमेंट के तौर पर यूज़ कर लेते हैं। पर लेकिन बाहर मतलब नॉर्वे कंट्री में ना, तो मतलब 12 साल से कम बच्चे को एडवर्टाइजमेंट के तौर पे यूज़ नहीं किया जाता, ना उसे कभी टेलीविजन पर दिखाया जाता है। और फैक्ट नंबर सिक्स ये है कि दोस्तों, मतलब बड़ी गजब की चीज़ें, मतलब वहाँ पर जो ना आप इनकम छुपा नहीं सकते हैं। वहाँ पे एक वेबसाइट है जहाँ पर आप वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, उस वेबसाइट पर सभी लोगों की इनकम को शो करती है, ताकि कोई भी चोरी ना कर सके। और फैक्ट नंबर सेवन, यदि आप नॉर्वे में एक टेलीविजन रखते हैं, तो उस टेलीविजन का टैक्स मात्र आपको देना पड़ेगा 26,000 रुपये। सोचने में बड़ा अजीब सा लगता है, एक टैक्स मतलब टेलीविजन रखने के लिए 26,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे नॉर्वे में। ओह माय गॉड, नॉर्वे बड़ी गरीब की कंट्री है अपना अपने भाई साहब, जबरदस्त कंट्री है, आप एक बार जरूर घूमिए। और हाँ, एक फैक्ट और याद आया मेरे को, फैक्ट नंबर सेवन दोस्तों, नॉर्वे में एक हेल नाम की जगह है, एक्चुअली इसको हेल क्यों बोला जाता है, क्वेश्चन ये बहुत मतलब सरप्राइजिंग है। हेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर बाई ट्रेन जब जाते हैं, तो वहाँ पर बाई ट्रेन जब उतरते हैं, वहाँ पर लोग सब जगह घूमते हैं, फिर बाद में घूमने के बाद ये सोचते हैं कि एक्चुअल में इस जगह का ना हेल क्यों पड़ा। एक्चुअल में हेल नामक प्लेस में वहाँ पर करीब 1,000 लोग रहते थे, और वहाँ पर सब जगह हरा भरा मतलब इको फ्रेंडली है, सब जगह पेड़ पौधे हैं, तो इसलिए उस जगह को हेल कहा जाता है। वहाँ पर 1,000 लोग भी रहते हैं, जैसे वेटिकन सिटी है बहुत छोटी है, तो अपना में बहुत ज़रूरी है। और नॉर्वे कंट्री में क्या क्या है, कॉफ़ी भी है, और हाँ जेल के बारे में एक हाँ एक चीज़ भाई मेरे फैक्ट नंबर एक, वहाँ पर जो आप लोग रखते हैं तो जेल को बांध के नहीं रख सकते, आपको ओपन ही रखना पड़ेगा, वहाँ पर आप बांध के दो को नहीं रख सकते, वो पनिश दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ सजा सुनाई जाती है। और दोस्तों, फैक्ट नंबर 9 ये है कि वहाँ पर जो फांसी वगैरह की सज़ा कभी नहीं सुनाई जाती है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट होती है, वहाँ का लोग ऐसा है
कि हमेशा किसी भी इंसान को प्रिपेयर होने का अधिकार होना चाहिए। यहाँ पर मैक्सिमम 21 साल या 22 साल की सजा सुनाई जाती है, उम्र कैद की सजा भी नहीं होती है, ना फांसी की सजा सुनाई जाती है वहाँ के लोग के हिसाब से। दोस्तों नॉर्वे कंट्री बड़े अपना में इसकी पॉपुलेशन 54 लाख है और ये एरिया वाइज 6th रैंक आती है इसकी। और इसको 17 नवंबर को नेशनल डे मनाया जाता है यहाँ पर, क्योंकि इस दिन इसको आज़ादी की तरह एक तरह से माना जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन नॉर्वे के बारे में, और ये कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन रह जाती है क्योंकि मैं भी एक बार पढ़ाई करने के बाद बनाता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और सरप्राइजिंग के तौर पर करना चाहता हूँ कि देखिए मैं जब अभी वीडियो बनाने वाला था ना इस वीडियो को, तो मैं अपने भाई को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, आजा भाई इंडिया का। मेरे भाई का नया यूट्यूब पर नया चैनल है एस दास व्लॉग्स के नाम से, मैं इसमें अपनी वीडियो में टाइप कर दूंगा इनका चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट माय यंगर ब्रदर। अभी भी नया रिसेंटली चैनल बनाया है उन्होंने, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और इस पर भी टाइप कर दूंगा। आप देख लेना यहाँ पे गजल गोल गोल घूम रहा है, यहाँ पे आप देख लेना। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यंगर ब्रदर चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट अ लॉट बिकॉज ही इज डूइंग बेस्ट वर्क इन हिज चैनल।